एवरीवन, आई एम नती एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ बंगाली स्टाइल जो ड्रेप होती है उसके आइडिया शेयर करने वाली हूँ। और इसको मैंने मतलब डबल पेटीकोट के साथ ट्राई करा हुआ है गाइस। एक्चुअली मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट करी थी कि मैं डबल पेटीकोट वियर करके बंगाली ड्रेप स्टाइल करूँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट मैंने अपने टॉप को नीचे से फोल्ड कर रही हूँ गाइस, जिससे कि जब मैं साड़ी ड्रेप करके आपको बताऊँ तो आप अच्छे से समझ पाए। एंड एक्चुअली गाइस मैंने ये पेपलम टॉप वियर करा था, दैट्स वाई मुझे इसको फोल्ड करना पड़ा। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने पहले ब्लू पेटीकोट वियर करा हुआ है गाइस, देन उसके ऊपर मैंने ऑरेंज कलर का पेटीकोट पहना है जो कि मेरे साड़ी का ही मैचिंग है। और ये जो डबल पेटीकोट बंगाली साड़ी का ड्रेप है वो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट करी थी। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो फर्स्ट हमें अपनी साड़ी लेनी है गाइस। जो साड़ी का एंड पोर्शन है जहाँ से हमारा फॉल आता है उसी साइड से हमें लेना है, और इस तरह से लेने के बाद जो हमारा राइट साइड है वहाँ से हमें टकिंग स्टार्ट करना है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने टकिंग स्टार्ट कर दी है, और इस तरह से राउंड घुमाते हुए हमें बैक साइड ले जाना है और टक कर देना है। फिर हम अपने लेफ्ट साइड आएंगे, तो लेफ्ट साइड से भी हमें टकिंग करना है। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा एक पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है टकिंग करके। तो अब हम आते हैं अपने फ्रंट की तरफ, तो यहाँ से हम अब अपनी प्लीटिंग करना स्टार्ट करेंगे गाइस। तो उसके लिए हमें अपने लेफ्ट साइड से राइट साइड इस तरह से साड़ी लानी है और टक कर देना है। और आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने राइट साइड को जब टक करा था तो थोड़ा सा जो राइट पैर की साइड है उसको दिखाते हुए टकिंग कर दी है। इससे बहुत अच्छा लुक आ रहा था गाइस, इसलिए मैंने इस तरह से टकिंग करा है। देन हमें अपने लेफ्ट साइड से इस तरह से राइट साइड लाना है और टक कर देना है। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से मैं फोल्ड करके टर्न ले रही हूँ एंड टक करती जा रही हूँ। और हमें हम जैसी प्लीट्स तैयार कर रहे हैं वैसे हमें स्ट्रेट प्लीट्स तैयार करनी है। तो अगेन हमें लेफ्ट साइड लाना है और टक कर देना है। और एक और बात गाइस, जो हमारी फर्स्ट प्लीट है वो थोड़ी सी चौड़ी होनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के अगर ऊपर प्लीट्स आएगी तो काफ़ी अच्छी लगेगी। नहीं तो क्या होगा, जो अंदर की प्लीट्स है मतलब हमारी जो पहली प्लीट्स है वो अंदर छिप जाएगी और वो दिखेगी नहीं, तो वो अच्छी नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा कि हमने कोई प्लीट्स ही नहीं बनाई है। तो इस तरह से हमें दो प्लीट्स तैयार करनी है, और जैसे हम जिगजैग वे होता है उसी तरह से हमें प्लीट्स तैयार करनी है गाइज। इस वाले पोर्शन को हम थोड़ी देर के लिए ऐसे रहने देते हैं गाइस, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पल्लू की ड्रेपिंग करना। तो सबसे पहले मेरा जो पल्लू का बॉर्डर था मैंने उसको उतना ही चौड़ा रख दिया है, क्योंकि जब मैंने इस ड्रेप को स्टाइल करा था तो ऊपर से नीचे तक काफ़ी एक जैसा ही बॉर्डर आ रहा था, तो अच्छा लग रहा था, दैट्स वाई मैंने इसको उतना ही चौड़ा रखा है। बट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना भी आपको चौड़ा चाहिए या छोटा पल्लू चाहिए, तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है। और एक बात गाइज, जब भी हम मतलब प्लीट्स तैयार करते हैं पल्लू की, तो क्या होता है ना, हमारी जो अंदर की प्लीट्स है वो भी समटाइम्स दिख जाती है, साइड दोनों साइडों से दिखती है, कभी राइट साइड से दिखती है कभी लेफ्ट साइड से दिखती है, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो आप क्या करें, आपकी जो फ्रंट प्लीट है और आपकी जो लास्ट प्लीट है उसको आप अपने हिसाब से चौड़ा रख दीजिएगा, जितनी भी आपको चाहिए उतनी, और जो अंदर की प्लीट्स है जो कि मैं अभी बना रही हूँ उसको बिल्कुल आप छोटी छोटी प्लीट्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि वो दोनों साइडों से दिखेगी भी नहीं और एक नीटर लुक क्रिएट होके आ जाएगा। और जो आपको सिर्फ हाईलाइट करना है अपने पल्लू के बॉर्डर का, वही सिर्फ हाईलाइट होगा गाइस, जो कि बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरह से आप करने के बाद एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दे गाइस। और इस ड्रेप का जो पल्लू है काफ़ी लंबा रहने वाला था गाइस, तो क्योंकि हमारा जो पल्लू है उसको मुझे राइट साइड भी लाना था, इसीलिए ये जो पल्लू है मैंने काफ़ी लंबा रखा था गाइस।
देन हमारा ये जो पोर्शन रह गया था आप इसको एज यूजल ऐसे ही रहने देख सकते हैं, या फिर आप इसको भी प्लीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं गाइस, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। बट मैंने यहाँ पे प्लीट्स में ही कन्वर्ट करना अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जो हमने स्ट्रेट प्लीट्स क्रिएट करी हुई है इस ड्रेप के लिए वो इवनली दिखने लगेगी गाइस, जो कि बहुत अच्छी लगेगी। तो आप ये स्टेप भी ट्राई कर सकते हैं। और अब मैंने अपना पेपलम टॉप ओपन कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे पेपलम टॉप की लेंथ थी उतनी ही लेंथ में मैंने अपना जो ये ड्रेप है उसको लाया हुआ है। बट अगर आप ब्लाउज़ वियर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने ब्लाउज़ के हिसाब से उसको ऊपर चढ़ाते हुए सेफ्टी पिन से सिक्योर कर सकते हैं गाइज। अब हमारी जो प्लीट्स है वो भी इवनली अच्छे से आ गई है गाइज, आप देख रहे होंगे। देन मैंने क्या करा, जो हमने लास्ट में प्लीट्स तैयार करी थी उसको इस तरह से निकाल के एक बार और ट्राई करा कि कैसा लगता है। तो सिंपली हमें अपनी प्लीट्स लेनी है गाइस और उसको पीछे ले जाके टकिंग करना है, जो कि बंगाली जो ड्रेप होता है वो ऐसा ही होता है आई थिंक। तो आप इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि नीचे से ऊपर तक कितना अच्छा दिख रहा है जो हमने बॉर्डर छोड़ा रखा था वो। देन हम अपना जो लॉन्ग पल्लू छोड़ा था उसकी ड्रेपिंग की तरफ आते गाइस। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से प्लीट्स तैयार कर ली है और मैंने सेफ्टी पिन से सिक्योर करना है आपको, या फिर आप अपना कोई छल्ला आपके पास है तो आप उसको सिक्योर कर सकते हैं गाइस। आई थिंक बंगाली वुमन्स के पास इस तरह के छल्ले होते हैं, बट मेरे पास नहीं था तो मैंने क्या करा, मेरा जो मांग टीका है उसको ही लिया है और उसको सेफ्टी पिन के अंदर इस तरह से डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, अपनी जो पल्लू की प्लीट से उसको बिल्कुल छोटी छोटी क्रिएट कर लूँगी और ऊपर में एक कोन शेप बना लूँगी, और जो कोन शेप बनाया हुआ है हमने उसके अंदर जो मांग टीका है वो इस तरह से डाल के पिनअप कर दूँगी। और एक बात गाइस, आपका जो पल्लू का उल्टा साइड है और आपका मांग टीका है दोनों ही उल्टे होने चाहिए गाइस, क्योंकि जब आप उसको फ्लिप करोगे बैक साइड तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो मांग टीका है वो सीधा हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि एक जैसा ही हो गया है। और अब मैंने यहाँ पे अपनी सेफ्टी पिन से अपने पल्ले को सिक्योर कर दूँगी गाइस। देन मैंने हमने जो लास्ट में प्लीट तैयार करके बैक साइड टक करा था उसको निकाल लिया था गाइस, क्योंकि वो मेरे ऊपर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, आई थिंक दैट्स वाई मैंने उसको निकाल दिया है। अब मैंने क्या करा है कि जो ये आगे की प्लीट से वो चलते हुए बहुत दिख रही थी और उठी उठी, तो मैंने उसको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दिया है। तो अपनी प्लीट्स ली है और अपनी साड़ी ली है, उसको इस तरह से लेते हुए अंदर की साइड मैंने सिंपली सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दिया है। इससे क्या हुआ कि जो मेरी ऊपर की प्लीट से नीचे तक वो इवनली एक जैसी हो रही थी और चलने के टाइम वो खुल भी नहीं रही थी गाइस। तो आप डेफिनेटली ये वाला स्टेप भी ट्राई कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि नीचे तक भी एक जैसी प्लीट्स आ रही है, और जो हमने बॉर्डर छोड़ी थी वो भी बहुत अच्छी लग रही है। तो और हमने जो स्ट्रेट प्लीट्स तैयार करी थी वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो ब्यूटीफुली क्रिएट होके आई है। देन मैंने क्या करा कि जो हमारे राइट साइड का पल्ला है उसको बहुत उठा उठा सा लग रहा था, खुला लग रहा था, तो मैंने उसकी भी प्लीट्स तैयार कर दी है गाइस। और आप देख रहे होंगे कि मैंने जो लास्ट वाली प्लीट है उसको नहीं लिया है, आगे की प्लीट्स ली है और उसको सिंपली सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दिया है गाइस। तो ये था फाइनल रिजल्ट। ड्रेप स्टाइल करोगे तो प्लीज़ हमें दो पेटीकोट वियर करके इस ड्रेप को स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है गाइज, हम एक पेटीकोट वियर करके भी इस ड्रेप को बहुत ब्यूटीफुली जैसे हम हमेशा ही करते हैं वैसे स्टाइल कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना, डबल पेटीकोट जब मैंने वियर करा था तो फ्लो जितना आना चाहिए था वो आ नहीं रहा था,
तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सिंगल पेटीकोट में जो स्ट्रेट लुक क्रिएट होकर आ रहा है वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और जो फ्लो इसलिए नहीं आ रहा था गाइस, क्योंकि हमने इस ड्रेप को, जैसे हमने साड़ी को राउंड घुमाते हुए वियर करते हैं, सेम उसी तरह से वियर करा था। दैट्स वाई इसको ना, मतलब ये फ्लो नहीं दे रहा था। अगर हम इसको जैसे हमने लहंगा साड़ी में प्लीटिंग करते, एक एक प्लीट्स को तैयार करा था और टकिंग करा था, अगर उस तरह से करते तो डेफिनेटली इसमें फ्लो आता। बट ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ बंगाली ड्रेप था, दैट्स वाई मैंने इसमें प्लीटिंग क्रिएट नहीं करी। जो उसका एक्चुअल ड्रेप है मैंने उसी को स्टाइल करने की कोशिश करी है। फ्लो आता है बट हल्का फुल्का आता है, जो कि मतलब मैंने खुद को ही देखा मिरर में तो मुझे इतना फ्लो नहीं दिख रहा था। तो आप मेक श्योर कि जब भी आप इस तरह का ड्रेप स्टाइल करें तो दो पेटीकोट ना वेयर करें, सिंगल पेटीकोट से ही ट्राई करें। और एक बात गाइस कि मैं ज़रूर इस ड्रेप को एक इनोवेटिव तरीके से लाने की कोशिश करूँगी, बंगाली ड्रेप को अपने स्टाइल में लाने की कोशिश करूँगी। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो प्लीज़ मेक श्योर आप स्टे रहे मेरे साथ ही। और वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए गाइस। कि हम सबको ही पता है कि हमारा जो इंडिया है, पूरा वर्ल्ड है, वो बहुत बड़े मतलब बहुत ख़राब माहौल चल रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस चाइना से इंडिया आया है, इंडिया ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में वो फैला हुआ है। तो इस मुसीबत से हमें अपने देश को, हमारे पूरे परिवार को, हमारी सोसाइटी को बचाना है। और आपको पता ही है कि इस जो कोरोना वायरस है, इसका जो स्टेज है वो थर्ड स्टेज चालू हो रहा है गाइस, तो तीसरे चरण में है। तो इससे ज़्यादा ना फैले इसके लिए हमें बहुत प्रिकॉशंस लेनी है। और अभी दो दिन पहले ही श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने एक स्पीच दिया था, तो उन्होंने भी कुछ इस तरह की जो बातें बोली थी कि उन्होंने एक मुहिम चलाई है बेसिकली, तो उसका भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो कि आने वाला संडे है, मतलब कल संडे है, तो संडे को हमें मतलब पूरा दिन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलना है, और जब तक ज़रूरी ना हो तब तक हमें बाहर ना नहीं निकलना चाहिए गाइज एक्चुअली। तो प्लीज़ गाइज स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। और इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, तो बाय।